सत श्री अकाल सारे, स्वागत है साडा मीडिया की वीडियो च। हाँ जी, तो हुण काम चल रहे आ, धाना बरता होगी सारी, स्प्रे मैं थोड़ा दिखाती, तो एक रहेगी वो अजे लेट होगी। तो हुण आलू की तैयारी चल रही, आलू लाने हुण टाइम आ गया आलूआं का भी, तो खेत तैयार कर रहे आखो, तो पिछे खेत वाहे पे आधर। हुण दादा सौगा मार रहे आ, कल तवियां फाले मार के खुंजे खांजे पट्टे, तो होर वाता था सारा त्यार। देखो इधर ये सब्जी वाला, इतने असं अपनी घर वास्ते सब्जी लाते खाने, इन्नी जगह च ये भी रूटा वेटर ना देखो प्यार कर खेत बारे पा के। हूँ गोभी लाऊंगे तो मूली भी लग जानी हूँ, तो बाकी होर अगे सर्दी सब्जी लगूंगी। तो आ बैंगन खड़े अजे, मिर्चा खड़ी थोड़िया जी, इधर आलू वास्ते खेत दो गीले लाते होंगे असं हर साल। उस सुहागा मार रहे हैं जोड़ा उच्चा नीमा पद्धरा कर देंगे, पद्धरा होना चाहिए खेत पूरा। तो आलू वाले खेत में बाहना भी बहुत पैंता, बिल्कुल ये मतलब पस्सी जमीन च लगता रेते यार, पस्सी जमीन च। इधर राजू भी आ गया, ये करूँगा इधर क्यारियाँ सैट गोभी लाने वास्ते सब्जी वास्ते। तो हूँ ये थोड़ा दसूँगा क्या करना, उरे दस बी हम इतने हम थान पदरा करके तो दूजा बट पा देने, बट पा के आप गोभी ला देने जी। अच्छा, गोभी लाता इनू पानी लाऊंगा बाद च जी। हाँ, पहले तो गोभी लगूंगी, पहले तो सब्जी बीज दांगे आपां, मेथरे मुथरे जे बीज लांगे, पहले तो क्यारियां तैयार कर, पदरा पुदरा कर लाया जिथे उच्चा नीवा। तो हूँ तो पहला इधर आलू लाने, हम कहते बैंगड़ा भी पानी लाना सुकते घर दे पिछे, उधर मोटर सामने तो वो नीचे अंडरग्राउंड पाइप पाई हुई है, तो आके इधर निकलती उरे पाइप, तो उत्थे पानी लाते सब्जियां। हूँ आलू लाने तो दो तीन दिन तक हूँ देखते हैं, मुर्गियां का रेह भी लिया, रेह नाले आलू होंगे उधर घर के पिछली साइड भी धान खड़े उ छब्बी बीज वो बढ़ के उत्थे भी आलू लगूंगे। तो एक हम सू इधर भी दिखाता है, तो सामने खड़े जेडे धान मैं थोड़ा पहला भी दिखाए हुए, ये भी छब्बी बीज आ। देखो निसर दा ते उरे भी आलू लाने, इधर तो हूँ ला देने दस दिन तक रेरू पा के खेत पूरे तैयार करके। देखो पानी धाना पानी जा रहा, थले जा रहा पूरा, धान खड़े है बिल्कुल सट, अजे तक दे कोई बीमारी नहीं हैगी, स्प्रेयां करती हैं दो। आलूआ ज़्यादा बरीक करने पैदा खेत, बहुत बहुना पैदा डूंगा बहुना पैदा है, जेड़े भी जमें सब्जी वाले खेत होंगे ना डूंगा चंकी तरह बरीक करने पैदा है, वाह वाह के पदरे होने चाहिए बिल्कुल। जिमें देखो आ खुंजा नीवा, इधर खुंजे नीवे हो जाते ज़्यादातर, जिमें फाड़ा आप खिंचते हैं मिट्टी अगे जाई जाती है, खुंजा भी नीवा होया वा, तो जिमें कख जहा भी कढ़िया वा राजू ने, तो बूटिया चो तेने बूटे देखो किमें छांकते। एक दिन इन्हू कहता भी थले तो बूटिया दी दो दो तीन तीन टाणियाँ बढ़ते, तो इन्हें पौड़ी ला के उपर तक छांकते, वैसे इन्हें छांकने ही चाहिए। हूँ बूटे लंबे जो होंगे जाइए ने तकड़े घट होने, ज़्यादा उच्चे नहीं छांकने चाहिए, थले रखने चाहिए। इधर राजू ने
क्यारियां बनाउणी शुरू करती हैं सब्जी वास्ते। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਘਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ। ਵਾ ਅੱਗੋਂ ਬੈਂਗਣ ਵੂੰਗਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਅਤੇ ਐਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਅਤੇ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਨੀਵਾਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਖੇਤ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਮਾਰਤਾ ਸੁਹਾਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ, ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਪੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਖੁੰਜਿਆਂ ਪਰ ਵੀ ਕੱਖ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਦੇ ਖੁੰਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਦਾਦ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹਤੇ ਖੇਤ, ਦੋਹਰ ਕਰਤੇ ਦੋਹੇ, ਦੇਖੋ ਐਨ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਆਲੂ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਾਹ ਹੋਈ ਜਾਣੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦ ਅੱਗੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦਾ ਰੇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਅਤੇ ਆਲੂ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।